Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जीगाबाइट का एक 81S1 का बोर्ड है, जिसका मैंने बायोस ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी रिपेयर नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि इसका वीडियो एक बना दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम जो है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो देखिए हमारा जो है कोड इसमें रिप्लेस हो रहा है, देख सकते हैं। अभी एक टिक करके साउंड करेगा और ये फिर बंद हो जाएंगे। देखिए फिर बंद हो गया, ठीक है। तो हम दोबारा इसको चालू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले जो है अभी इसमें आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर बंद, ठीक है। तो इस हालत में इसके साथ क्या किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसका जो है VRM का जो पावर कोड है वो फेल होने पर भी ऐसा होता है। कभी कभी कोर IC भी खराब होता है इस हालत में, और कभी कभी क्या होता है IO से पावर कोड नहीं जाते हैं, तो उस कारण से भी ऐसा हालत हो सकता है। और एक चीज होता है कि क्रिस्टल, तो बड़ी तज्जुब की बात है कि ये क्रिस्टल की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आप लोग सोचेंगे, लेकिन हाँ इसकी वजह से भी हो सकता है। और क्रिस्टल का यहाँ पे सर्किट अवेलेबल है, तो ये क्रिस्टल की सर्किट जो है यहाँ पे ग्राउंडिंग के लिए 2 PF लगा हुआ है, और बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 1M का है, और साइड में जो है 18-18 करके PF लगा हुआ है। तो ये ग्राउंडिंग है जो एक्स्ट्रा जो इस मीडियम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा रहेंगे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, लो पास फिल्टरेशन के लिए 18 PF करके 2 कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। तो इसमें भी अगर कोई परेशानियां होगा तब भी ऐसा हो सकता है। और क्या होता है कि देखिए ये एक्चुअली में प्रोटेक्शन ऑन हो रहा है, ठीक है। जब डिस्प्ले आ रहा है तो शायद इसमें ओवर फ्रीक्वेंसी जा रहा है, या तो फिर इसको जो पावर गुड मिलना चाहिए डिस्प्ले आने के, मतलब जब आ रहा है उस टाइम एक पावर गुड बन जाता है यहां से IC से, तो वो पावर गुड अगर यदि फेल हो जाते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि यह जो है ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत ड्राई हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो ड्राई हटाने के लिए हम ऐसे आयरन लेंगे, नॉर्मल जो लोकल आयरन है उससे आप इसे नहीं कर सकते हैं, महंगा वाला आयरन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जस्ट साइड से आप फ्लुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं करें, उससे कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं। एक चीज में ध्यान देना है कि आपका जो है पिन यहाँ के वो वापस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर बार हर साइड के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सोल्डर इस्तेमाल करूंगा। और एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब आप आयरन को इस तरीके के काम पे इस्तेमाल करोगे तो यहां पे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खोल के कुछ लोग सोल्डर करते हैं उसके बाद दोबारा लगाते हैं और दोबारा सोल्डर करते हैं, तो जब आप खोल के सोल्डर करोगे तो 250 के ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। और अगर ऐसे लगा हुआ है तो आप 350 तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये तो हमने कर लिए हैं, लेकिन देखिए IO में भी बहुत कचरा पड़ा हुआ है, तो ये मोबाइल में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली में कचरा ही है इसमें। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अगर इसको करने के बाद हुआ तो आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इससे ठीक हुआ है कि इससे ठीक हुआ है, और कभी कभी ये भी खराब होता है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी को भी चेक नहीं करेंगे, पावर गुड भी चेक नहीं करेंगे, पिन आउट का डिटेल्स नहीं चेक करेंगे, इसका रिक्वायरमेंट भी अभी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यदि अगर बेसिक करने से हो जाते तो हम इसमें इतना मेहनत क्यों करें। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।
फैन बाद में लगाऊंगा, पहले देखता हूँ डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए डिस्प्ले आ चुका है, मैं बंद कर देता हूँ नहीं तो ये सीपीयू गर्म हो रहा है। ठीक है, फैन लगा के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब डिस्प्ले दोबारा आ जाएंगे, आ चुका है। तो ये बिल्कुल चल रहा है, देख सकते हैं जैसे कि ये अभी तक बंद नहीं हुआ। तो मैं सिंपल इसको बंद करता हूँ। ओके, और इम्पोर्टेंट बात पे लगता हूँ। तो यहाँ पे जो हो रहा था एक्चुअली में यहाँ पे वी आर रेडी पावर ग्रिड जो है वो फेल हो रहा था। तो इसमें एक सिग्नल आते हैं जो आयो से आते हैं, इसका एनेबल सिग्नल। और एक चीज होता है इसके अंदर सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा भी रहता है, जो मैं पहले भी बताया था शायद, पता नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहाँ पे एनेबल मिलने के बाद यहाँ पे कोर वोल्टेज बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब कोर वोल्टेज बनता है तो यहाँ से एक फीडबैक यहाँ पे आईसी में रिसीव होता है, और उसके बाद इसको पता लगता है कि भाई कोर वोल्ट बन रहा है। तो उसके बाद उसका ये काम है कि वीआर रेडी पावर ग्रिड जो है उसको छोड़ना है, वो जो है क्लॉक को भी जाएंगे और अलग सेक्शंस पे भी जाएंगे, जैसे पीसीएच वगैरह जो है उसमें जाएंगे, तो आयो वगैरह जाएंगे। तो उसमें अगर फेल हो जाएंगे ये पावर ग्रिड वीआर रेडी, तो आपका सिस्टम जो है ऐसे डिस्प्ले आने से पहले ही बंद हो जाएंगे। तो और एक चीज मैं बता रहा था कि आयो के कारण से हो सकता है, तो आयो की आजू बाजू में कंपोनेंट ड्राई होगा तब भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे दो आईसी और है, यहाँ पे जो है ऑडियो आईसी है और यहाँ पे एक लैन आईसी है। तो दोनों में से कोई एक में अगर खराबी है तो तब भी ऐसा हो सकता है। तो आप एक एक करके निकाल निकाल के देख सकते हैं दोनों को, क्योंकि अगर मतलब निकालेंगे तो सिंपल ही लगाना, इतना मेहनत का काम नहीं है। निकालो पहले, उसके बाद चेक कर लो एक बार, उसके बाद लगा दो, नहीं हुआ तो फिर इसको भी निकाल लो, नहीं हुआ तो दोबारा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट जरूर चेक करना, इसका पिन आउट की हिसाब से आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऐसा प्रॉब्लम और एक कारण से हो सकता है, जैसे कि इसका जो है सीपीयू का वीडीडी जो है सप्लाई वो फेल होगा, तभी इसका कोर वोल्ट कतई नहीं बनेंगे। तो कोर वोल्ट मिसिंग होने पर भी इसका ये फैन घूम के बंद हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम कोड कुछ नहीं आएंगे। ये जो आप डिबग कार्ड देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको कुछ कोड नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका इसमें कोड आ रहे और डिस्प्ले आने से पहले बंद हो रहा है, तो तभी आपको कोर आईसी में देखना है सबसे पहले, और मोस्फेट वगैरह को देखना होगा। मोस्फेट वगैरह में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगे, तब भी आपका जो है कि डिस्प्ले नहीं आएंगे, और डिस्प्ले आने से पहले ये बंद हो जाएंगे और दोबारा रिस्टार्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।